नमस्कार, एजी कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। सो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पालक पनीर बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसके डंडियां तोड़ के सिर्फ पत्तियों को ले लिया है। तो अभी हम ये 1 लीटर पानी हमने गर्म किया है, इसमें 2 मिनट हाई फ्लेम पे करके बॉइल कर लेंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट कर लेना है। 2 मिनट हमारा हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इनको छान लेंगे। थोड़ा सा इस पे ठंडा पानी इस तरह से डाल देंगे, बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंड करने में आसानी रहेगा। एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, एक छोटी चम्मच जीरा, और ये एक टमाटर को हमने काट कर रख लिया, 2 छोटे प्याज हैं उसको काट के रख लिया, 10-12 लहसुन है, लहसुन के कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्च है। इन सभी को तरह से डाल देंगे। प्याज को थोड़ा हमने मोटा ही कट किया है, ढक के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तब तक पका लेते हैं। जब तक हमारा प्याज टमाटर गलता है तब तक हम ये 200 ग्राम पनीर को काट करके ले लेते हैं। इस तरह से काट के ले लिया है, रख लिया है, इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, इसको साइड में कर देंगे। और ये हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह भून गया है। अभी हम इसे जार में, ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे। सबसे पहले गैस ऑफ करेंगे, ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे। सेम जार में हम पालक को भी डाल देते हैं और एक ही साथ इनको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इस तरह से इनको ग्राइंड कर लिया है और इसको एक किनारे रख लेंगे। सेम पैन ले लिया है, पैन हमारा गर्म है, इसमें चार टेबल स्पून तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब ये इसमें सबसे पहले 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, सभी को मिला देंगे। और बहुत देर नहीं भूनना है इनको, इसमें ये जो पेस्ट हमने बना रखा है इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, ये जो है पेस्ट का ही पानी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो मसाले क्या है जल जाते हैं और उनका फ्लेवर खत्म हो जाता है।
या मलाई ऐसे बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। मसाले सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। एक छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इनको 2-3 मिनट ढक के ऐसे 2-3 मिनट पका लेंगे। फिर हमारा मसाला जो है पनीर और पालक सब में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तीन मिनट हमने पका लिया है। ये हमारा बढ़िया पालक पनीर रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है पालक पनीर जो तैयार हो गई है। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी दिख रही है। तो ये बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।